Hello students, my name is Jagjot Singh and I'll be discussing physics section of this paper. So students, if you have not attempted this paper yet, yes, you can attempt this paper in the next slot. And again students, there is a workshop which is on Monday, so don't forget to attend that workshop. Okay students, now we are starting with the discussion of this paper students. So first question is simple one, which of the following statement is correct? A person with myopia can see distant object clearly. Person with hypermetropia can see distant objects clearly. Person with myopia can see nearby objects clearly. Person with hypermetropia cannot see distant object clearly. So students, एक जैसी सी स्टेटमेंट लग रही है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट सी. मायोपिक आई में यू कैन सी नियरबाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फार अवे ऑब्जेक्ट्स आप नहीं देख सकते. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई उनको देख सकती है. सो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी. सो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था. Okay, and easy one. Now, in question number 2, an electric current passes through a straight wire. Magnetic compasses are placed at points A and B. So, एक compass हमारा A पे है, एक compass हमारा B पे है. जब current pass होगा, तो magnetic field अगर आप A point पे देखेंगे, so magnetic field, by this rule, by the screw rule, you can use this rule, okay? Right hand thumb rule, आप एक conductor को hold करके ऐसे check कर सकते हैं. So magnetic field यहाँ कैसी होगी बच्चों? Magnetic field यहाँ होगी out of the page और यहाँ होगी into the page. Obviously अगर compass needle deflection दिखाएंगे तो opposite दिखाएंगे. So correct option क्या होगा? D. The needles will deflect in the opposite direction. So again in question number 3, the star appears shifted from their actual position due to the phenomena of diffraction, refraction, reflection और स्कैटरिंग. आपको पता है स्टार क्यों स्कैटर होते हैं अपनी अपेरेंट पोजीशन से? अगर हम स्टार की बात करें, स्टार इसलिए स्कैटर्स होते हैं बच्चे क्योंकि एटमॉस्फेयर उनको स्कैटर करती है. एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बटी है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसकी लेयर क्या होती जाती है, बहुत थिक होती जाती है. ऊपर जाते जाते थिन और उसके बाद तो फिर स्टार तक जाते जाते तो वो कोई एटमॉस्फेयर बचती ही नहीं है. सो ये जो वेरी करती है एटमॉस्फेरिक लेयर हिलती रहती है, उसकी वजह से वो ट्विंकल भी करता है और उसकी जो शिफ्टिंग होती है स्टार की पोजीशन की होती है, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी. अगेन ओशियन थर्मल एनर्जी जो आप लोगों ने सोर्सेस ऑफ एनर्जी में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, ये आंसर बहुत सिंपल था. अगर आप ध्यान से देखें, अगर लेवल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है आपकी सरफेस में और एक डेप्थ में, तभी हम ओशियन थर्मल पावर प्लांट्स को लगा सकते हैं. आपको पता है ना हम इस पावर प्लांट में क्या करते हैं, इस पावर प्लांट में हम जो टेम्परेचर डिफरेंस है ओशियन के लेवल का, इसको यूटिलाइज करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी टर्बाइन को रोटेट करा सकते हैं. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी डिवाइडेड बाय यू. एंड फॉर अ मिरर यू कैन से दैट 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. तो आप यहां से एलिमिनेट कर लें 1 बाय यू, मतलब यू की वैल्यू एलिमिनेट कर लें क्योंकि कोई भी ऑप्शन यू की टर्म्स में नहीं है, कोई भी ऑप्शन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में नहीं है. तो यहां से आ जाएगा 1 बाय एफ माइनस 1 बाय वी. तो यहां से जो यू का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एफ इंटू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस एफ. Now you can substitute here, so minus v and instead of u it is f into v and ऊपर कितना आ जाएगा v minus f. तो basically आप इसको लिख सकते हैं f minus v, v v cancel हो जाएगा divided by f. So the correct option is option A. Question number 6, an electric motor consists of rectangular coil. इस केस में आपसे पूछ रहा है जब इलेक्ट्रिक मोटर की हम एक बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर, तो किस पोजीशन पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है. तो अगर आप बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम फोर्स होता है क्योंकि जैसे जैसे ही इसकी एंगल चेंज होता रहता है फोर्सेस एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, कैंसिल करने लगते हैं. वर्टिकल पोजीशन पे तो फोर्स मिनिमम होता है. सो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, हॉरिजॉन्टली. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 4, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लस 4. द ऑब्जेक्ट इज दैट कॉनकेव मिरर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दे रहा है, दैट मींस आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है. और वर्चुअल इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो बच्चे, जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो फोकस और पोल के बीच में, सिर्फ वही केस होता है. तो इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, फोकस और पोल के बीच में. क्वेश्चन नंबर 8, A ray of light that strikes a plane mirror PQ at an angle of 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR at a distance right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is.
सो आप इस तरीके से मिरर सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, एक मिरर ऐसे, एक मिरर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे आप कंसीडर कर सकते हैं, ये एंगल आप 90 डिग्री ले लें, यहां से एक रे आ रही है और वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल आपको दिया है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। उसके बाद आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां से 30 डिग्री ही होगा। फिर आप एक नॉर्मल यहां ड्रॉ करेंगे और आपको पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 होगा तो ये एंगल 30 होगा, तो अगेन ये एंगल 60 होगा, तो अगेन जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल होगा वो भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री ही होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9th की अगर एक बार बात करें तो आपको क्या दे रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस इज शोन बाय, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है क्लोजनेस ऑफ लाइन बताती है, किस रीजन में लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है वहां स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप बी से लिख रहे हो तो इसकी स्ट्रेंथ क्लोजनेस ऑफ लाइन्स पर डिपेंड करती है, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, अ कंपास पॉइंट्स इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, हाउएवर वी नो दैट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज इन द ज्योग्राफिकल साउथ एंड वाइस वर्सा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द कंपास डजंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। तो बच्चे सिंपल सी बात है, अगर हम अपने अर्थ को कंसिडर करें, जहां अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जहां अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है और एक नीचे की तरफ ज्योग्राफिकल साउथ होता है, इस साइड एक्चुअली अर्थ का, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसी पॉइंट पे अर्थ का साउथ और नॉर्थ लाई करता है। आप मान सकते हैं अर्थ के नीचे एक बड़ी सी बार मैग्नेट है, वहां अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े होंगे तो आपकी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, मतलब अट्रैक्शन की वजह से मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा। तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो भी मैंने बात बोली, अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको दिखेंगे कि दो ऑप्शन 2 और 3 मीनिंगफुल बनते हैं, बाकी ऑप्शंस का कुछ खास मीनिंग नहीं है। दैट मींस इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। आपको एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता है, आप किस तरीके से निकालते हो, यस राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो, आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो, आप कर्ल्स बनाते हो अपनी फिंगर्स के और इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, याद है आप लोगों को, इस तरीके से आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं। सो अगर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न होगा। तो ये सारे कैसे होते हैं, कोएक्सियल, कोसेंट्रिक, बेसिकली कोएक्सियल नहीं, कोसेंट्रिक, एक सेंटर के अराउंड ऐसे सर्कल्स बनाएंगे। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन दी वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू गेट अ शार्प इमेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर रखा है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होता है, आर पे, तो इमेज भी कहां बनती है, आर पे, तो देख के पता चल रहा है इसका आंसर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपकी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1/f = 1/v + 1/u से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है। ओके, सेम साइज की इमेज बनती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप सेकंड मीडियम को देखेंगे और फर्स्ट मीडियम को देखेंगे तो लाइट अवे जा रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाला मीडियम डेंस होगा और नीचे वाला मीडियम कैसा होगा, रियरर होगा। नीचे वाला मीडियम कैसा होगा, रियरर, ऊपर वाला डेंस। सो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, N1 इज ग्रेटर देन N2, ऑब्वियसली यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां के एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की एक बार बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार डिस्कस करें तो बच्चों आप पहले इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस, क्योंकि 250 वोल्ट पे 100 वोल्ट देता है और दूसरा बल्ब 200 वोल्ट पे 100 वोल्ट देता है, तो पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लें। आरए कैसे निकलेगा, आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है V² / R। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें वोल्टेज रेजिस्टेंस रिलेशन चाहिए, तो आरए क्या होगा, बेसिकली VA / पावर। तो अगर आप यहां सब्सिट्यूट करेंगे तो V का स्क्वायर करेंगे 250 × 250 / 100, सो इट विल बी अराउंड 625 ओम। सिमिलरली आप RB कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा VB² / पावर at B, तो VB आपका 200 है तो यहां से आ जाएगा ये 4000 / पावर is 100, तो यहां से आ जाएगा 400 ओम।
अब आप सर्किट से करंट निकाल लें, करंट क्या होगा, एक्चुअल वोल्टेज आपने 250 अप्लाई करी है, तो 250 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आप इन दोनों का ऐड कर लें 1025। अब आपको वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस बी, तो आप यहां लगा देंगे वी इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बी। सो जस्ट आपको क्या करना है, वोल्टेज एट बी कैलकुलेट अगर करनी है तो वोल्टेज एट बी विल बी टोटल करंट इज 250 डिवाइडेड बाय 1025 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 400। आप सब्सिट्यूट करेंगे, आंसर अप्रोक्सीमेटली 97 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको आप 98 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको आईवी ग्राफ दिया हुआ है, ये आई और ये ग्राफ क्या है, बोलो वी। आपको पता है आईवी ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, आईवी ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, आईवी ग्राफ के स्लोप से हमें मिलता है 1/r। आईवी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, 1/r। तो आप 1/r चेक कर सकते हैं, आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, 1/r1 इज ग्रेटर देन 1/r2 इज ग्रेटर देन 1/r3, आपको ग्राफ से दिख रहा है। इसका मतलब है R3 should be सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी R3 should be greater than R2 should be greater than R1, ठीक है, क्योंकि यहां इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो आपको देख के ही समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द chemistry part of class 11th NEET slot 2. So guys, that's the first question. During electrolytic refining of copper, these are the option: pure copper act as an anode, pure copper act as a cathode, impure copper act as an anode and impure copper act as a cathode. So guys, अगर आपने electrolytic refining पढ़ा हो तो मैं बताऊं कि यहां पे cathode पे क्या होगा, cathode पे reduction occur होगा, okay? Reduction will take place at the cathode, और जो आपका कैथोड में कॉपर आयन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर में जाएगा, और जो आपका कैथोड होगा द कैथोड विल बी आपका प्योर, ओके, और एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड में कॉपर विल गो इनटू द कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होगा आपके पास में इम्प्योर, एंड इम्प्योरिटी विल सेटल डाउन, ओके। तो जो भी प्योर कॉपर होगा वो कॉपर आयन में कन्वर्ट करेगा, कॉपर आयन से यहां चला जाएगा, ओके तो मतलब जो प्योर कॉपर होगा वो एनोड से कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा, और जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन हो जाएगी। यस, आंसर इज बी होगा आंसर, कि प्योर कॉपर एक्ट एज अ कैथोड एंड इम्प्योर कॉपर एक्ट एज अ एनोड। So that's the first question. Next question पे बात जाएं, कह रहा है KXO3 is a solid well mixed with water. Okay, temperature of the solution falls. This reaction is okay. अब हमें पता लगना चाहिए कि अगर temperature of the solution fall, तो इसका मतलब कि the dissolution of this XO3 require heat. Okay, ये हमारा endothermic process होगा. थर्मिक प्रोसेस होगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस अपने सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अगर वो हीट को एब्सॉर्ब करेंगे तो सॉल्यूशन का जो टेंपरेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दिस शुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहां पे सी होगा, क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक होता तो हीट बाहर रिलीज होती और टेम्परेचर क्या करता, राइज करता, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3, the IUPAC name of the given compound CH3CH, okay, numbering start karte hain 1, 2, 3, 4 and 5, its pent 2-ene, agar hum baat kare yahan pe aana chahiye pent 2-ene, 5 carbon hai, second position pe double bond hai, so its pent 2-ene, answer should be A, kya aayega, answer A aayega. Next example pe jaye, question pe jaye, question number 4, the total number of elements present in the fourth period of modern periodic table. अगर मैं आपको magic number की बात बताऊं, तो जो magic number आते हैं modern periodic table में, वो आते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, okay? And these are the period. और ये हमारे पास में क्या है? ये maximum number of elements हैं, ये number of
एलिमेंट है और ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। तो हमसे पूछा गया है फोर्थ पीरियड में, सो फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आएंगे, मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आएंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। यस आंसर विल बी बी, आंसर क्या होगा, बी होगा। ये मैजिक नंबर है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से और क्वांटम नंबर से आता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। द टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड, एका एल्यूमिनियम, गैलियम। ओके, गैलियम जो है हमारे पास में, वो जो गैलियम है हमारे पास में, गैलियम इज अ 13 ग्रुप एलिमेंट, 13 ग्रुप एलिमेंट है, 13 ग्रुप एलिमेंट है लाइक एल्यूमिनियम। और जो उसकी ऑक्साइड बनेगी, तो देखो ध्यान सुनना, थर्ड एल्यूमिनियम भी इसी ग्रुप में आता है, और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड क्या बनती है, Al2O3, और बोरोन की क्या बनती है, B2O3। तो ये भी क्या बनाएगा, Ga2O3। तो कैसे बनाएगा, Ga2O3। इसके पास में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके यहां पे हमारे पास में, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके Ga2O3, यस ये आएगा आंसर। सो दैट्स अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन मूव करें, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द सल्फाइड ऑफ मरकरी इज। देखो यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फाइड ऑफ ऑफ मरकरी क्या है, सिनेबार है, सिनेबार है, फॉर्मूला होता है इसका HgS। ओके सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, मेन कंपोनेंट होता है सिनेबार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है, इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ली जाती है। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा AgBr, AgBr इट्स अ फोटो सेंसिटिव एलिमेंट, AgBr इज अ फोटो सेंसिटिव एलिमेंट। इस पर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो ये ब्रेक डाउन होता है, और ये रिएक्शन हमारे पास हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, दैट्स अ फोटो सेंसिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट, अ गैस इमिट्स ऑन द बर्निंग ऑफ राइस स्ट्रॉ। राइस का जो भूसा होता है उसको बर्न करने पे कौन सी स्पेशल गैस है, यहाँ पे जो जो गिवन गैसेस है उनमें से कौन सी गैस रिलीज होती है। तो हमें चार ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन, सल्फाइड, अमोनिया, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल यहाँ का इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, इट्स अ वेरी हैजार्डस गैस। ओके हैजार्डस है, एसिड रेन कॉज कर सकती है। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। यहां पे आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके सल्फर डाई ऑक्साइड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पिक अ मेटल दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट सोलर सेल टू सोलर पैनल। देखिए सोलर सेल में हम क्या करना चाहते हैं, जस्ट वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज द रेसिस्टेंस। सो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी डिक्रीज द रेसिस्टेंस वी यूजली यूज सिल्वर। हम किसको यूज करते हैं, सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। ओके सो हियर आंसर विल बी ए। यहां पे आंसर क्या आएगा, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए आंसर होगा गाइस, ए आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है, नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की नेचर क्या है, Al2O3, Al2O3 इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एंड इट विल रिएक्ट एसिड एंड बेस बोथ। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और इसकी जो नेचर है वो है एम्फोटेरिक इन नेचर, इट्स अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो हेयर आंसर विल बी डी, आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन पे जाते हैं, इलेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर अपीयर व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन विच इज अ इंडिकेटर, विच इज अ इंडिकेटर पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है गाइस, लाइम वाटर जो है स्टूडेंट्स, वो बेसिक होता है, वो बेस होता है लाइम वाटर, एंड इसकी पीएच जो होती है वो नियर 12 के आसपास होती है, नियर 12 के आसपास होती है, और इस पीएच के अराउंड, इस पीएच के अराउंड, नियर पीएच 12 के अराउंड फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर। ओके फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है जब पीएच 12 की नियर होती है, तो इट गिव्स, इट विल गिव यू अ पिंक कलर। ये क्या देगा आपको, पिंक कलर देगा।
चलिए नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन मूव करते हैं. ओके मूव टू ट्वेल्थ क्वेश्चन. ट्वेल्थ क्वेश्चन इज, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोप. ओके इट इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड. देखो सोडियम क्लोराइड, देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो सोप होता है वो फैटी एसिड होते हैं. सोप किससे मिलके बनता है? फैटी एसिड से, फैटी एसिड. और ये सॉल्युबल होता है, और ये हम, ये क्या होता है, सॉल्युबल. सो व्हाट वी वांट, ओके सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड लेते हैं हम ये, और इन पर इन सिंपल बात करें, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड लेते हैं एंड इट इज सॉल्युबल. सो हम क्या चाहते हैं कि सॉल्यूशन से जो सोप है वो प्रेसिपिटेट करे, ओके सोप अलग हो जाए जिसको फिर हम सॉलिडिफाई कर दें. ठीक, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं. सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप कराता है. सोडियम क्लोराइड क्या कराएगा, प्रेसिपिटेशन, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसको प्रेसिपिटेट कराना स्टार्ट कर देगा. ओके और फिर वो हमारा जो हमारा सॉल्वेंट है वो डिफरेंट सेपरेट हो जाएगा, और हमारा जो सोप के पार्टिकल्स है वो प्रेसिपिटेट करेंगे, फिर उनको अल्टीमेटली हम सॉलिडिफाई करके ओके सोप फॉर्म करेंगे. सो आंसर विल बी ए. चलिए नेक्स्ट हमारे पास में 13 क्वेश्चन आता है. बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्या है, एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है. एक कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉप. दैट्स द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट्स द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ओके नेक्स्ट, द सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर येलोइंग कलर ऑफ ताजमहल इन आगरा. द सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ ताजमहल इन आगरा. देखिए जो एसिड रेन की वजह से जो सॉल्ट क्रिएट होता है, एसिड रेन में मतलब हम जो कि वहां पे, क्योंकि कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं जो मार्बल के अंदर हैं, और उसका येलोइंग कलर आता है कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट की वजह से. जो आता है वो आता है कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट की वजह से. ओके बिकॉज ऑफ द कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट. ओके गाइस चलिए आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम. कौन कौन सी सबशेल एटम में प्रेजेंट होती हैं? तो मैं आपको बताऊं कौन कौन सी सबशेल्स प्रेजेंट होती हैं. सबशेल होती है एस, पी, डी एंड एफ. दीज आर द सबशेल विच आर प्रेजेंट इन एन एटम. ये जो सबशेल्स हैं वो एटम में प्रेजेंट होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ. तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जहां पे हमें एस, पी, डी, एफ मिलेगा. ओके सो आंसर शुड बी डी. आंसर क्या होगा, डी. एस, पी, डी, एफ सबशेल्स आर देयर. आंसर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डी. ओके सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द केमिस्ट्री पार्ट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, एंड दैट्स अ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. देयर इज अ वर्कशॉप ऑन मंडे, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट. ओके थैंक यू वेरी मच. सो हेलो एवरीवन, और आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं नीट के जीटीएससी पेपर के डिस्कशन के लिए. जीटीएससी 2020 बायोलॉजी क्लास 11 नीट स्लॉट 2, ठीक है. और बहुत फर्स्ट क्लास आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस का. आपने अटेम्प्ट किया होगा पेपर, कैसा लगा पेपर आपको? बढ़िया पेपर था ना, और आपकी नॉलेज और स्किल सारी टेस्ट कर दी पेपर ने, मुझे पता है, ठीक है. तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस पेपर का डिस्कशन. तैयार हो जाइए, क्या क्या क्वेश्चंस आपको आए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए, सब हम डिस्कस करेंगे. और ये रहा पहला क्वेश्चन, फेरिंग्स कैन ट्रैप डस्ट एंड पैथोजेंस ड्यू टू हेयर्स, कार्टिलेजेस, सीलिया या फिर फ्लैजेला. हां जी, कौन इसको बताएगा, हु विल आंसर, हु विल आंसर. यस, कौन फ्यूचर डॉक्टर इसको बताएगा, किस किस फ्यूचर डॉक्टर ने इसको सही किया है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैथोजेंस क्या होते हैं. डस्ट तो आपको पता ही है क्या होती है. पैथोजेंस होते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी गुड. और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट को ट्रैप करने का काम कौन करता है, वो काम करता है सीलिया, ठीक है. सीलिया बीट करता है, सीलिया मूव करता है, और जब वो सीलिया बीट करेगा, जब वो सीलिया मूव करेगा तो वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा, ठीक है. नोज में भी होता है, फेरिंग्स की तरफ भी होता है, ठीक है. और
ये अंदर आती हुई एयर में से डस्ट को और माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है। हमारी बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ताकि कोई भी पैथोजन, कोई भी डस्ट हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर डॉक्टर्स का ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। हेयर जो होते हैं वो फेरिंग्स में नहीं होते, हेयर सिर्फ नोज के अंदर होते हैं, तो अगर आपने हेयर कर दिया हो तो वो गलत हो जाएगा। कार्टिलेज इस तरह के काम नहीं किया करता, ठीक है, कार्टिलेज किसी भी इनकमिंग एयर से डस्ट ऑफ पैथोजेंस को ट्रैप नहीं करता। फ्लैजेला आपको पता ही है, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म के अंदर होता है, टेल के अंदर, बाकी तो फ्लैजेला कहीं मिलता नहीं है। तो इसमें जो बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा सीलिया, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका ये सारा क्वेश्चन सही हो गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, सी आंसर आ गया इसका। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह के रिएक्शंस चलते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस चलते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, ठीक। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम याद हो, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, राइट। ये हो गए ग्रेना, ये हो गए ग्रेना और ग्रुप ऑफ, ये हो गए थायलोकॉइड्स, सॉरी ये हो गए थायलोकॉइड्स, दीज आर थायलोकॉइड्स, और ग्रुप ऑफ थायलोकॉइड्स को आपको पता है हम नाम देते हैं ग्रेना। ये होता है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, दिस इज मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है या स्ट्रोमा होता है। तो दो पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, एक तो आपको ग्रेना मिलेगा जो ग्रुप ऑफ थायलोकॉइड्स होते हैं, दिस इज ग्रेना ग्रुप ऑफ थायलोकॉइड्स, और एक होता है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, राइट, एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, और डार्क रिएक्शन के अंदर बनाया जाता है ग्लूकोज, ठीक है। लाइट रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, लाइट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि लाइट की एनर्जी को एक्चुअली वो एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि दिस रिएक्शन ऑकर्स ओनली इन डार्क, तो बात बहुत ज्यादा सही नहीं होगी, बट अगर हम ये कहें इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, तो बात सही हो सकती है। ये इंडिपेंडेंट होता है लाइट के, लाइट हो ना हो इसे फर्क नहीं पड़ता, ये कंपलसरी नहीं है कि डार्क में ही हो, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट होगी तो भी ठीक है, लाइट नहीं होगी तो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा इसका जो बेस्ट आंसर आप लोगों ने टिक किया होगा, दैट इज बी, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। और मुझे लगता है सारे फ्यूचर डॉक्टर्स का ये आंसर बिल्कुल सही हो गया होगा। सो आंसर इज बी, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो गए होंगे। ह्यूमन स्पीसीज हैव देयर जेनेटिक रूट्स इन, अरे यार ओ इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों कंबाइन हो गए, जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन, ठीक है, इवॉल्व कहां से हुए और जेनेटिक रूट्स, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना दिया है क्वेश्चन में, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को आपस में कंबाइन कर दिया है। अगर मैं इसका ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, मैन ओरिजिनेटेड इन विच प्लेस, है ना, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, द ह्यूमन स्पीसीज हैव देयर जेनेटिक रूट्स इन, और आपका आंसर आ जाएगा अफ्रीका, मैन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, ठीक है, और वहां से निकल करके मैन
पूरे कॉन्टिनेंट्स में, पूरी दुनिया में फैला, वेरिएशन आया, अलग अलग जगह पहुंचा, अलग अलग जाकर के उसने अपने आप को इवॉल्व किया, ठीक है, और इवॉल्व करके उसने अपने आप को उस हिसाब से चेंज किया। यूरोप गया, ठीक है, वहां उसने अपने आप को इवॉल्व किया, जो आजकल यूरोप कहते हैं, खैर जब वो गया था तब तो हम उसे यूरोप नहीं कहते थे, हिल्स के ऊपर गया, वहां जाकर के अपने आप को इवॉल्व किया। लेकिन ओरिजिनेट कहां से हुआ? मैन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, ह्यूमन स्पीसीज हैव देयर जेनेटिक रूट्स इन अफ्रीका, ठीक है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स का ये आंसर भी सही हो गया होगा, करेक्ट आंसर इज सी, अफ्रीका, वेरी गुड। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेबल, एन ऑल्टर्ड जीन इन स्पर्म, एन ऑल्टर्ड जीन इन लिवर सेल्स, एन ऑल्टर्ड जीन इन स्किन सेल्स, या एन ऑल्टर्ड जीन इन अदर सेल्स। हां जी, ऑल्टर्ड जीन, इसमें से कौन सा इनहेरिटेबल है? पहले तो जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं ये बताएंगे कि इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही तो कोई बात करेंगे। विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, उसको हम इनहेरिटेबल कहते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेबल, विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। तो क्या चीज होती है जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती है? वो जीन कहां होनी चाहिए? वो जीन होनी चाहिए गैमीट्स के अंदर, ठीक है। तो वो जीन जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो रही है, दैट जीन शुड बी प्रेजेंट इन गैमीट्स। That gene should be present in gametes, ठीक है। तो वो अब हम चारों ऑप्शन अगर देखें तो इनमें से कौन सा गैमीट है? बिल्कुल अब तो सही बात है, इट इज स्पर्म। तो वो जीन कहां पर मौजूद होनी चाहिए? वो जीन मौजूद होनी चाहिए किसके अंदर? स्पर्म, क्योंकि स्पर्म वो चीज है, ओवा वो चीज है जिसकी जो जीन्स होती हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी स्पर्म। मुझे लगता है आपके चारों आंसर सही हो चुके हैं, पूरे पूरे नंबर उठा चुके हो आप। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही बोला है मैंने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। ओके, बहुत बढ़िया, अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद किया हो तो ये होता है डायग्राम, ठीक है। दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, ये हो गया उसका डायग्राम, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और यहां पर मौजूद होता है ओव्यूल। आपको पता ही है कि ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी, या जिसको हम लॉक्यूल कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद होता है ओव्यूल। अब यहां पर आकर के गिरे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, यहां पर आकर के क्या गिरे? पोलन ग्रेन्स, यहां पर आकर के गिरे पोलन ग्रेन्स, और इन पोलन ग्रेन्स में से निकलनी शुरू हुई एक पोलन ट्यूब। ये भाई साहब निकली एक पोलन ट्यूब, फ्यूचर डॉक्टर्स ध्यान दे रहे हैं सारी बात, ये निकल गई एक पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है, अब सवाल हमारा क्या बनता है? अब सवाल हमारा बनता है कि जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब्स की ओव्यूल्स की तरफ, वो किस वजह से होगी? क्या वो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगी? अच्छा चलो, चारों का हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है वाटर, वाटर, पानी, पानी की तरफ अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, या ग्रोथ, अट्रैक्शन या ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर। कीमो क्या हो गया? अट्रैक्शन या ग्रोथ टुवर्ड्स केमिकल्स। जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स ग्रेविटी। और फोटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स लाइट।
टूवर्ड्स लाइट। तो अब आप फ्यूचर डॉक्टर्स जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं फटाफट बताएंगे कि उन्होंने कौन सा आंसर करेक्ट मार्क किया है। मैं होता तो इसमें मैं आंसर कीमोट्रोपिज्म मार्क करता। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्यों ग्रोथ होती है, बट उसमें से कीमोट्रोपिज्म सबसे बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं पोटेशियम और मैलिक एसिड होता है जो ग्रो करवाता है, ठीक है, कुछ लोग किसी और केमिकल्स का नाम लेते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो ग्रोथ हो रही है पॉलन ट्यूब की टूवर्ड्स ओव्यूल, इसका अट्रैक्शन केमिकल्स देते हैं। तो करेक्ट आंसर बी आएगा फिफ्थ का, और मुझे लगता है आपके पांचों क्वेश्चन सही हो चुके हैं, सो इट इज बी, वेरी गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। फंक्शन पूछ रहा है टेस्टिस का ऑफ प्यूबर्टी पर, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। चलो देखते हैं, हो सकता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, चलो हो सकता है। भाई देखो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा तो क्यों करेगा टेस्टिस, टेस्टिस कोई प्लेसेंटा का डेवलपमेंट थोड़ी करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा तो हो नहीं सकता। और ये भाई सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन भी नहीं हो सकता ना, इट कैन नॉट बी सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो पहले दो तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं एकदम, कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये दो फर्स्ट क्लास चीजें जा रही हैं बिल्कुल, ठीक है आपके सामने। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, जर्म सेल्स क्या है, जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म्स, वेरी गुड, जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म्स, और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, तो दोनों तो काम की बातें हो गई। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो आपने भी यही किया होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ए पार्ट, वन एंड टू। थैंक यू सो मच, ठीक है, और आपका आंसर ए आ गया, और आपके छह के छह क्वेश्चन आई एम 100% श्योर, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, फ्यूचर डॉक्टर्स हो, सही हो चुके होंगे। राइट, सेवंथ क्वेश्चन, ओ एंजाइम्स की बात आ गई। द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, देखो भाई रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय स्टमक एंड पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्टमक, लिवर एंड पैंक्रियास, लिवर एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हां जी, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय स्टमक एंड पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्टमक, लिवर एंड पैंक्रियास, लिवर एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हां जी फ्यूचर डॉक्टर्स, पेप्सिन कहां से रिलीज होता है, मेडिकल स्टूडेंट बनने वाले हो, ठीक, जूलॉजी और खासतौर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। हां जी, पेप्सिन कहां से आया, पेप्सिन आया स्टमक से, ट्रिप्सिन कहां से आया, इंटेस्टाइन में आया, पैंक्रियास से, सलाइवरी ग्लैंड से, तो सलाइवरी अमाइलेज आता है, लीवर से तो कोई एंजाइम आता नहीं है डाइजेशन के लिए, लीवर से कोई एंजाइम नहीं आता, यहां से नहीं आता, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज है, तो हमारे पास बेस्ट आंसर क्या बन गया, ए पार्ट, दैट इज द बेस्ट आंसर। ठीक, अगर आपने इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द जीटीएससी पेपर, अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट स्लॉट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, देयर विल बी अ वर्कशॉप ऑन मंडे, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट वर्कशॉप। ओके, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, सात के साथ क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं, यस करेक्ट आंसर इज ए। ओके, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, क्या देखते हैं, बाइक वाइक की बात चल रही है कुछ, रमेश वॉज राइडिंग इज मोटर बाइक विदाउट पुटिंग ए हेलमेट, देखो कितनी गलत बात है रमेश, ही मेट विद ए सीवियर एक्सीडेंट एज ही कुड नॉट ऑपरेट द ब्रेक्स प्रॉपरली, बताओ बाइक लेके निकल गए और ब्रेक्स ठीक से लगा नहीं पाए, ही इज नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस, द पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड मेजरली इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, भाई वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो अब मेडुला एंड हाइपोथैलेमस, अब आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि इन चारों ऑप्शंस में से जो बॉडी का बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है, तो मैं होता तो आंसर बी लगा देता, आपने क्या लगाया, बी लगाया ना, बिल्कुल सेरिबेलम जो होता है वो बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करता है, ठीक, मेडुला जो होता है वो वाइटल एक्टिविटीज मेंटेन करता है, ठीक है, जैसे हार्ट बीट,
रेस्पिरेशन, ठीक है, हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है टेम्परेचर, थर्मोस्टेट कहलाता है बॉडी का, हंगर मेंटेन करता है, थर्स्ट, और सेरिब्रम तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आंसर इसका बी आएगा, सेरिबेलम। ओके, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर गेन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां चलता है और हम उसको क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। और आपको पता है कि चार एटीपी बनते हैं, दो कंज्यूम हो जाते हैं, तो नेट गेन दो एटीपी की होती है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। तो मैं तो भैया इसका आंसर बी ही लगाऊंगा, टू। आपने क्या लगाया? बिल्कुल सही लगाया आपने, इसका आंसर टू आएगा। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस? हां जी, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये भैया ये क्या पूछना चाह रहा है? दीज आर फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही कह रहे हो, CO2, वॉटर, एनर्जी, ठीक है। और ये सारी की सारी कहां पर चलती है? ये चलता है सारा माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो भैया, साइटोप्लाज्म में तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस चलती है, उसका तो एंड प्रोडक्ट ही पाइरूवेट होता है, जबकि यहां तो पाइरूवेट को शुरुआत करवा रहा है, ब्रेकडाउन करवा रहा है, मतलब शुरुआत हो रही है पाइरूवेट से, तो ये तो साइटोप्लाज्म तो हो नहीं सकता। क्लोरोप्लास्ट में हमें ऐसा कुछ CO2 या वॉटर नहीं मिलता, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां CO2 और वॉटर का तो कोई मतलब ही नहीं। न्यूक्लियस में तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, मैं तो साइटोप्लाज्म, मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही जाऊंगा, और मुझे पक्का पता है आपने भी माइटोकॉन्ड्रिया लगाया होगा। वेरी गुड, सो बी इज द करेक्ट आंसर। राहुल विजिटेड हिज कजन्स वेडिंग, वाह शादीवादी की बात आ गई। राहुल विजिटेड हिज कजन्स वेडिंग वेयर ही हैड स्टमक फुल ऑफ मील्स, खूब पेट भर के उसने खाना खाया। इवन इफ ही विशेस ही इज नॉट विलिंग टू ईट मोर ऑफ हिज फेवरेट डेजर्ट, अब उसको मिठाई के लिए पेट में जगह ही नहीं बची। वो बेचारा बहुत चाह रहा है कि मिठाई खा लूं, पर वो पेट तो पहले ही खाने से भर चुका है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ हिज सेंटर प्रेजेंट इन सेरिबेलम, उसको जो लग रहा है कि उसका पेट भर गया है ना, वो उसको सेरिबेलम के एक सेंटर की वजह से फील हो रहा है। आप मुझे बताओ कि जो दो स्टेटमेंट है आपके सामने, assertion और reason, उसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? क्या assertion सही लग रहा है, क्या reason सही लग रहा है, क्या दोनों सही लग रहे हैं, दोनों गलत लग रहे हैं? भाई खुल के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो मैं देखना चाह रहा हूं इसके अंदर, पहला मैं देख रहा हूं कि राहुल विजिटेड इज कजन वेडिंग, जा सकता है कजन की वेडिंग में जाने में, क्या है वेरी एट स्टमक फुल ऑफ मील्स, और उसने खाना भी बहुत ज्यादा खा लिया, ये भी सही लग रहा है। इवन इफ ही विशेस ही इज नॉट विलिंग टू ईट मोर ऑफ हिज फेवरेट डेजर्ट, ये तो बात बिल्कुल सही है, हमारे साथ भी हुआ होगा कि भाई खाना इतना खा लिया कि मिठाई की जगह ही नहीं रहेगी, तो मेरे ख्याल से assertion तो बिल्कुल सही आ गया। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर प्रेजेंट इन सेरिबेलम, गलत है। ये जो सेंटर होता है ना, सेटाइटी सेंटर, कि हमने बहुत खा लिया, दैट इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, वेरी गुड, इलेवेंथ का सी आएगा, वेरी गुड। क्लोज्ड स्टोमा लुक्स स्टोमा और स्टोमेटा, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, घबराना मत, कहो कि भाई ये तो गलत लिख दिया, स्टोमेटा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस सिंगुलर और प्लूरल का ही है भैया, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, स्टोमा और स्टोमेटा एक ही चीज है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। ए क्लोज स्टोमा लुक्स लाइक द फिगर शोन बिलो, हाउ डू यू थिंक द स्टोमा गेट्स क्लोज्ड? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
water moves out of the guard cells, water moves inside the guard cells, water starts moving inside roots, water starts moving into the soil. देखो सी और डी तो बिल्कुल ही बेकार की चीजें हैं, ठीक है, आप सीधा एलिमिनेट कर दो सी और डी को. वॉटर रूट्स में और सॉइल का क्या मतलब है, हम तो बात लीफ की कर रहे हैं भाई, एस्ट्रोमेटा तो लीफ के अंदर होता है, ठीक है, तो रूट और सॉइल का तो कोई पंगा ही नहीं है. अब आप ये बताओगे वॉटर मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है, या वॉटर मूव इन टू द गार्ड सेल्स, इट विल बी वॉटर मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, क्लोज हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, पानी बाहर जाएगा, बंद हो जाएगा. तो आंसर विल बी ए. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल आपको पता ही है, सबसे पहले क्या आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर क्या आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर क्या आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है. हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अदर, ठीक है, याद रखना ये एक रूल होता है, दिस इज अ वेरी फेमस रूल जिसको हम 10% रूल कहते हैं, कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले वाले ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी और फिर टर्शियरी कंज्यूमर में 10% एनर्जी पास होती है. इसलिए जो इसे हम फूड चेन कहते हैं एक्चुअली, इसलिए जो फूड चेन है ये 3-4 ट्रॉफिक लेवल तक ही लिमिटेड रह जाती है. सो दिस इज 10% ऑफ एनर्जी. वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट हैपेंस टू द ट्रांसपिरेशन रेट, व्हाट हैपेंस टू द ट्रांसपिरेशन रेट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा, ठीक है. अगर मॉइस्चर ज्यादा हो हवा में या टेम्परेचर कम हो तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है. ज्यादा टेम्परेचर का मतलब बहुत तेजी से ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि बिल्कुल ड्राई एटमोस्फियर है और पानी भाप बनके और स्टोमेटा के थ्रू सीधा उड़ जाएगा. तो मैं तो इसका आंसर 1 ही लगाऊंगा. आपने क्या लगाया फ्यूचर डॉक्टर्स, 1 आंसर होना चाहिए इसका. 15. होमोलोगस ऑर्गन्स है, हाँ जी, ये होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनका 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 ओरिजिन सेम हो, सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन अलग हो. होमोलोगस ऑर्गन्स का एक आध एग्जाम्पल तो बताते जाओ, आर्म्स ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है. सो वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर, राइट, दैट वॉज अबाउट बायोलॉजी, दैट वॉज डिस्कशन अबाउट बायोलॉजी, एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो प्रेप. माई नेम इज अंकित शर्मा एंड आई एम योर फ्रेंड कम मेंटर फॉर द मेंटल एबिलिटी टेस्ट, द MAT. Friends, I hope that your GTSC exam went really very well. But if still you have not attempted it, then please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given in the description below. And now let us start straight away with the question discussion. Now friends, this was a very very interesting question. Chhota sa question tha, but bahut hi acha question tha guys. To question ne kya kaha? Question ko dhyan se padhiye. Question ye kaha that 11 friends whose names have been given, they are sitting in the first row of a stadium watching a cricket match. All right, and kitne log hain total? 11. So guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So these are the 11 people sitting in the front row and watching the cricket match. Now guys, the question says T is to the immediate left of P and third to the right of Z. So guys, T is to the immediate left of P and third to the right of Z. So dekho guys, bilkul hum logon ne condition bana li, T is to the immediate left of P and third to the right of Z. Now guys, V is the neighbor of B and N. So guys, V is the neighbor of B and N. अब V is the neighbor of B and N, ऐसे भी हो सकता है, और V is the neighbor of B and N, ऐसे भी हो सकता है, both are correct. So V is the neighbor of B and N and third to the left of S. So guys, V is also third to the left of S. So V is here, then 1, 2, V is third to the left of S. And
यहां पे क्या कहा जा रहा है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। गाइस बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ऑल राइट, एंड क्यू इज एट वन ऑफ द एंड्स। अब इसका क्या मतलब है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड क्यू इज एट वन ऑफ द एंड्स। अब क्यू लेफ्ट एंड पर होगा या क्यू राइट एंड पर होगा? गाइस क्यू को अगर आप राइट एंड पे रखोगे तो उसके सेकेंड लेफ्ट बी को कैसे करोगे, एंड हेंस क्यू विल बी ओवर हियर एंड उसके सेकेंड राइट पर बी आ जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? नाउ गाइस अब क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, कहा यह जा रहा है आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, सो पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। एंड नाउ गाइस अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर V के और S के बीच में, बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि S के थर्ड लेफ्ट पर V है, तो अब S के थर्ड लेफ्ट पर V किस तरीके से होगा, अब हमें यह देखना है। एंड नाउ गाइज कम ऑन लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ। अब सबसे पहले आप गाइज देखो एक लाइन यहां पर मिस हो गई थी एंड वो लाइन बहुत ही काम की चीज थी जो हमें बताएगी कि ये बी वी एन होगा या एन वी बी होगा। गाइज अगर बी वी और एन, गाइज ये चीज तो पॉसिबल नहीं है गाइज, अगर आप यहां बी रखोगे तो वी एंड एन यहां तो पॉसिबल नहीं है, हेंस बी यहां है वी एंड एन आपने यहां रख दिया, ऑल राइट, सो दिस इज पॉसिबल। अच्छा अब क्या करोगे गाइज, जेड को कहां प्लेस करोगे? गाइज जेड को आप केवल यहां प्लेस कर सकते हो तभी एक गैप करके ओ टी पी एंड आर इस तरह से हो जाएंगे। नाउ गाइज वी के थर्ड राइट पर एस है, वन टू एंड थ्री वी के थर्ड राइट पर एस है एंड नाउ ओनली डब्ल्यू इज लेफ्ट आउट एंड द क्वेश्चन इज डन। और अब कहा यह जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द रो, सो गाइज एट द सेंटर ऑफ द रो कौन होगा, फाइव पीपल इनको हटा दो, फाइव पीपल इनको हटा दो, सेंटर ऑफ द रो में कौन बचा, इट्स ऑप्शन नंबर बी दैट इज जेड एंड हेंस दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यस इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायग्रामेटिक मिसिंग टर्म एंड द ओनली रूल इज दैट देयर इज नो रूल, रूल लेसनेस इज द रूल, लॉ लेसनेस इज द लॉ। गाइस अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्लियरली आप समझ सकते हो कि 27 में से 1 माइनस करो 26 एंड 12 में से 1 माइनस करो 11। सो गाइस 26 इंटू 11 इज 286। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है उसका शॉर्टकट पता होगा, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 26 को मल्टीप्लाई करना है देन 2 6 एंड 2 प्लस 6 इज 8। सिमिलरली 53 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 5 3 एंड 5 प्लस 3 इज 8। फाइन एवरीबॉडी। एंड सिमिलरली गाइस अब देखो 5 में से माइनस 1 करो 4 एंड 13 में से माइनस 1 करो 12, सो दिस विल अमाउंट टू 48। सिमिलरली 23 से माइनस 1 करो 22 एंड 5 से माइनस 1 करो 4, इट विल अमाउंट टू 88 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 88। ऑलराइट गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस हियर द क्वेश्चन सेज that in a certain language table is written as 7 8 7 6 4. Similarly dark has been written as, dark is to be written as what? Ab guys bahut hi simple tarika hai, agar aap isko shortcut mein karna chahte ho तो गाइज आप बताओ यहां पे टी ए बी एल ई है, यहां पर आपको ए दिख रहा है और यहां भी ए दिख रहा है, तो गाइज अगर यहां पर ए को 8 लिखा गया है तो यहां पे भी ए को 8 लिखा जाएगा, तो यहां पर सेकेंड प्लेस में 8 ना यहां पर है ना यहां पर है ना यहां पर है एंड हेंस ऑप्शन बी ही आंसर है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। बट अब अगर आप इसका डिटेल में रीजन जानना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूं गाइज। रीजनिंग में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट,
क्या कहते हैं? ऑपोजिट्स। तो मैं ऑपोजिट्स लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सो गाइज बेसिकली दीज आर द 13 सेट्स ऑफ ऑपोजिट। तो ऑपोजिट्स का मतलब अब समझ में आ गया होगा। ए इज फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, जेड इज फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंड, बी इज सेकेंड लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, वाई इज सेकेंड लेटर फ्रॉम द एंड, जी इज सेवेंथ लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑल राइट, एंड इट्स ऑपोजिट टी इज सेवेंथ लेटर फ्रॉम द एंड, ऑल राइट। क्लियर है सभी को? एंड नाउ व्हाट इज द लॉजिक? गाइज यहां पे लॉजिक बहुत ही ट्रिकी है, और अब मैं आपको वो भी बता देता हूं कि लॉजिक आखिर है क्या। गाइज टी की पोजीशन आप ये बताओ, टी का ऑपोजिट क्या होता है? गाइज टी का ऑपोजिट आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हो, टी का ऑपोजिट है जी, टी का ऑपोजिट है जी, ऑल राइट। सो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस, टी का ऑपोजिट है जी। सो जी की पोजीशन 7 होती है, द सेम हैज बीन रिटन, ऑल राइट। ए के ऑपोजिट होता है जेड, जेड की पोजीशन 26 होती है, 2 + 6 = 8। बी के ऑपोजिट होता है वाई, वाई की पोजीशन 25 होती है, 2 + 5 = 7। गाइस एल के ऑपोजिट होता है ओ, ओ की पोजीशन होती है 15, 1 + 5 = 6। गाइस ई के ऑपोजिट होता है वी, एंड वी की पोजीशन होती है 22, 2 + 2 = 4। तो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। सिमिलरली गाइस डी के ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की ऑपोजिट डी। सो गाइस यू कैन सी, सो डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू की पोजीशन 23, 2 + 3 = 5, ऑल राइट। ए के ऑपोजिट जेड होता है पोजीशन 26, 2 + 6 = 8। आर के ऑपोजिट आई होता है, आई की पोजीशन 9 है, तो वो 9 ही रहेगी, सिंगल डिजिट है। एंड गाइज के ऑपोजिट क्या होता है? के ऑपोजिट पी होता है, पी की पोजिशन 16 होती है, एंड 1 + 6 = 7। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज 5, 8, 9, 7। तो ये प्रॉपर कंसेप्ट है। शॉर्टकट में कैसे करना है वो मैंने पहले ही बता दिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ गाइस दिस इज अ वर्बल क्वेश्चन। बिब्लियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बुक्स, एंड हर्पेटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ जुआलॉजी विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ऑल राइट। सो बिब्लियोलॉजी रिलेटेड टू बुक्स, हर्पेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जुआलॉजी दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, एंड हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, नाउ गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और कहा जा रहा है अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट, इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स मे बी ऑन ऑपोजिट साइड, मे बी ऑन ऑपोजिट साइड। तो गाइज एक सिंपल सा फंडा याद रखो, ऑपोजिट साइड्स कैनॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स, ऑल राइट। आप अपना रूम देख लो, इफ यू चेक योर रूम, सो देर इज अ रूफ एंड देर इज अ ग्राउंड, सो रूफ एंड ग्राउंड आर ऑपोजिट सर्फेसेस एंड दे नेवर शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। तो ऑपोजिट साइड्स कभी भी कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर सकते। तो अब आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ऑपोजिट। गाइज एल एंड सी का वर्टेक्स कॉमन है, एंड हेंस जब हम इनको क्यूब बनाएंगे तो ये एडजेसेंट होंगे, अगल बगल होंगे, ऑपोजिट नहीं होंगे। गाइज सी एंड डब्ल्यू, सी एंड डब्ल्यू का भी वर्टेक्स एडजेसेंट है, कहीं ना कहीं मिल रहे, एंड इसीलिए इनको भी जब हम क्यूब बनाएंगे तो ये अगल बगल होंगे, एडजेसेंट होंगे, ऑपोजिट नहीं होंगे। गाइज डब्ल्यू एंड बी ये तो बिल्कुल अलग, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि जब इनको हम एक क्यूब बनाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये बिल्कुल एक साथ अगल बगल एडजेसेंट आ जाएंगे, इसलिए ये भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। बट गाइज ए एंड बी डू नॉट शेयर एनी कॉमन वर्टेक्स, एंड हेंस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ए एंड बी मे बी ऑपोजिट, एंड हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन एवरीवन,
And with this, we have discussed all the questions. And now it's the time to move on to the next section. But guys, on Monday, do not forget to attend the workshop. All right? So, Monday ko workshop attend karna mat bhuliyega. Thank you guys. Take care. See you.